स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। यूपी के प्रयागराज में फेक करेंसी यानी नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद कई सनसनीखेज राज खुल रहे हैं। सोसों की जाली करेंसी मदरसे के अंदर छापने वाले शातिर प्रयागराज में जनवरी 2025 में लगने वाले महाकुंभ को लेकर खास तैयारी में थे। शातिर अखबारों टीवी चैनलों पर देखते रहे कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ लोग प्रयागराज आएंगे। ऐसे में करोड़ों की भीड़ के बीच प्रयागराज जाली करेंसी खपाना आसान होगा। डेढ़ महीने के मेले में ही वो कई करोड़ रुपए कमाने की फिराक में थे। ऐसे में अभी से नोट छापने वाले पेपर यानी शीट का इंतजाम बड़े पैमाने पर करने लगे थे। चूंकि इस काले धंधे में मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम का प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन खुद इस काले कारोबार में शामिल था, इसलिए वह मदरसे के बच्चों को भी बिना बताए धंधे में शामिल कर लेता था। पूछताछ में शातिरों ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि वह अपनी जरूरत के पैसों को बच्चों के जरिए ही कैश करा लेते थे। नकली नोट लेकर बाजार में भेजते, घर का सामान जरूरत का सामान फेक करेंसी से मंगा लेते। छोटे बच्चे अंधेरा होने के बाद भीड़भाड़ वाली दुकानों पर जाकर नकली नोट से सामान खरीद लाते। हालांकि बच्चों को नहीं पता था कि वो जो नोट लेकर जा रहे हैं वो नकली हैं। चारों शातिर त्योहारों की भीड़ पर ज्यादा से ज्यादा जाली करेंसी खपाने की कोशिश में लग जाते थे। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।